नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। इस हफ्ते के सियासी किस्से में हम बात करेंगे बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के बारे में। वैसे तो मुंडे की जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे दिलचस्प किस्से हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड के खात्मे में उनकी भूमिका को लेकर, जिसकी कहानी बड़ी ही रोमांचक है। मुंडे का जन्म महाराष्ट्र के परली में 12 दिसंबर 1949 को हुआ था। उनके सियासी जीवन की शुरुआत छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई और उन्होंने इमरजेंसी विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। बीजेपी के साथ उनका सियासी करियर आगे बढ़ा और जब 1995 में पहली बार महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सत्ता आई तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 1995 में जब मुंडे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने तो एक तरह से उन्हें कांटों का ताज पहनना पड़ा। राज्य के मुख्यमंत्री शिवसेना के मनोहर जोशी थे, लेकिन मुंडे के पास गृह मंत्रालय था। मुंबई की हालत उस वक्त तक बेहद खराब हो चुकी थी। शहर पर अंडरवर्ल्ड हावी हो चुका था। लगभग हर दिन शूटआउट्स होते थे। कारोबारियों, बिल्डरों, मिल मालिकों, होटल मालिकों और फिल्मकारों को अंडरवर्ल्ड की ओर से उगाही के लिए धमकी भरे फोन कॉल्स आते थे और जो पैसे नहीं पहुंचाता था उसकी हत्या कर दी जाती थी। मुंबई शहर पर दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली और अश्विन नायक जैसे गिरोहों का राज था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की कानून व्यवस्था की इस हालत पर केंद्र को भी चिंता हुई। मुंबई जैसे शहर में कारोबारियों का खुद का असुरक्षित महसूस किया जाना शर्मनाक था। गैंगस्टर पकड़े जाते थे, लेकिन कानून व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाकर, गवाहों को डरा धमकाकर या फिर पुलिस महकमे के भ्रष्टाचार के बूते वे कुछ दिनों में फिर छूट जाते थे और मुंबई की सड़कों पर खूनी खेल खेलते थे। मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड के सामने हतबल नजर आ रही थी। मुंडे समझ गए कि बिना कोई ठोस कदम उठाए मुंबई के हालात काबू में आने वाले नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने फिर एक रणनीति बनाई। ये रणनीति थी पुलिस को खुलकर छूट देने की। पुलिस जिसे भी समाज के लिए खतरा समझे उसे मार दे। मुंडे समझ गए थे कि कानून का राज स्थापित करने के लिए कानून के दायरे को लांघना जरूरी हो गया था। इस रणनीति को नाम दिया गया एनकाउंटर। मुंडे ने ऐलान कर दिया कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, किसी भी गिरोह से जुड़े गैंगस्टर को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री गोपीनाथ मुंडे का समर्थन मिलने के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड पर पुलिस का कहर बरपना शुरू हो गया। 1995 में जब मुंडे ने कुर्सी संभाली उस साल मुंबई में महज 7 एनकाउंटर हुए, लेकिन अगले साल यानी 1996 में ये संख्या सीधे 59 पर पहुंच गई और उसके अगले साल यानी 1997 में 70 पर। एक साल में 70 गैंगस्टर्स के मारे जाने से अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मच गया। जिस भी शख्स के खिलाफ अगर एक भी मर्डर केस दर्ज पाया जाता तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती। गोपीनाथ मुंडे की इस रणनीति ने पुलिस वालों की एक नई नस्ल को जन्म दिया, जिसे मीडिया वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस में चुनिंदा अफसर ही थे जो कि गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में मारते थे। प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर, दया नायक, प्रफुल्ल भोसले और रविंद्र आंगरे जैसे नाम गैंगस्टरों के लिए यमराज बन गए। मीडिया ने इनको हीरो की तरह पेश किया। एनकाउंटर्स की नीति रंग ला रही थी और शहर में शूटआउट्स की संख्या कम हो रही थी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि एनकाउंटर्स के सिलसिले पर ब्रेक लग गया। कुछ मानवाधिकार संस्थाओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया कि ये तमाम एनकाउंटर्स फर्जी हैं, कानून के खिलाफ हैं और इनसे संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन शिकायतों के आधार पर सेशंस कोर्ट के जज अग्यार को एक जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। अग्यार ने अपनी रिपोर्ट में मुंबई पुलिस पर काफी कड़ी टिप्पणियां की और एनकाउंटर्स को गैर कानूनी करार दिया। जज अग्यार की रिपोर्ट के बाद पुलिस कर्मियों में खौफ पसर गया। उन्हें खुद अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा और एनकाउंटर्स होने बंद हो गए। नतीजा यह हुआ कि शहर पर फिर एक बार अंडरवर्ल्ड हावी होने लगा। 1998 में जिस साल अग्यार की रिपोर्ट आई, अकेले उसी साल गैंगस्टर्स ने मुंबई में 99 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। यहां तक कि मुंबई पुलिस मुख्यालय के सामने ही भरत शाह नाम के
एक कपड़ा कारोबारी की हत्या कर दी गई। गैंगस्टर्स बेखौफ हो गए। मुंबई पुलिस के लिए वो एक बुरा वक्त था, लेकिन मुंडे फिर एक बार पुलिस के साथ खड़े हो गए। पुलिस कर्मियों को आदेश मिला कि वे गैंगस्टरों का सफाया जारी रखें, कानूनी पिचड़ों से सरकार उन्हें बचाएगी। मुंडे का सहारा मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने फिर एनकाउंटर करने शुरू किए और अगले ही साल यानी कि 1999 में 82 गैंगस्टर्स को ढेर कर डाला। उसी साल महाराष्ट्र की शिवसेना बीजेपी सरकार गिर गई और राज्य में कांग्रेस एनसीपी की सरकार आ गई, जिसने एनकाउंटर्स की रणनीति जारी रहने दी। इस बात से गोपीनाथ मुंडे के विरोधी भी इनकार नहीं करते हैं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के सफाए में उनकी एक अहम भूमिका रही है। साल 2014 में वे महाराष्ट्र के बीड से सांसद चुने गए और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के कुछ दिनों बाद 3 जून को एक कथित कार दुर्घटना में मुंडे का निधन हो गया। सियासी हलकों में माना जाता है कि भले ही मुंडे केंद्र में चले गए थे, लेकिन उनका दिल महाराष्ट्र की राजनीति में ही था। अगर साल 2014 में कार दुर्घटना में उनका निधन नहीं हुआ होता तो उसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को जीत मिली थी, तो मुख्यमंत्री पद के मुंडे प्रबल दावेदार रहते और शायद देवेंद्र फडणवीस को राज्य के मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिल पाता।